नमस्कार, मैं हूं नंदिता और आप देख रहे हैं ईएनएन भारत। ईएनएन भारत राजनीतिक घटनाक्रम एवं राजनीतिक संभावनाओं के साथ साथ जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी सेवकों के गुण और दोष पर जनता की राय जानकर उनके विचारों को आंकड़ों में बदलकर आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य है कि जनता की राय को संपूर्ण रूप से आप तक पहुँचा सके। जैसा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से आप देख रहे हैं, देश एवं प्रदेश के चुनाव मुद्दों को छोड़कर चेहरों पर केंद्रित हो गए हैं। और अगर सच कहे तो सबसे बड़ा मुद्दा चेहरा हो गया है, व्यक्ति व्याधि हो गया है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आजकल अपने देश में वैशाली वाला लोकतंत्र ना होकर अमेरिका वाला हो गया है, जहाँ राष्ट्रपति के चेहरे पर चुनाव होता है। चेहरे का चुनाव हर पार्टी में परेशानी का कारण बना हुआ है। शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। वहाँ पुराने चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव बीजेपी हार गई। और अधिकांश लोगों का मानना है कि फडणवीस की जगह अगर नितिन गडकरी चेहरा होते तो बीजेपी की सरकार बन गई होती। वहीं उत्तराखंड में चुनाव जीतने वाले चेहरे की तलाश में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। उत्तर प्रदेश में चेहरे बदलने की कवायद पर घमासान मचा हुआ था। पंजाब में मान के चेहरे ने चिन्नी को चलनी बना दिया, साथ में कांग्रेस का भी तमाशा बना दिया। गुजरात में रातों रात पूरी कैबिनेट बदल दी गई और राजस्थान की चर्चा तो अब सार्वजनिक है। इन्हीं चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर हम आगामी माह में एक बड़ा कार्यक्रम लेकर फिर आएंगे और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 90% गाँव में जाएंगे। उस गाँव की सामाजिक संरचना के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं का उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम एक वृत्त सर्वेक्षण लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जिसमें राजस्थान की राजनीति से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का जवाब आप तक हम पहुंचा सके ऐसा प्रयास करेंगे। पूर्व में बहुत सारे सर्वेक्षण का कार्य भारतवर्ष में ईएनएन भारत ने किया है। उसी अनुभव का उपयोग कर राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, जहाँ चेहरे के लिए घमासान मचा हुआ है, नित्य प्रतिदिन लोकल समाचारों में एवं राष्ट्रीय चैनल में राजस्थान को लेकर चेहरे की चर्चा जरूर होती है। 26 सितंबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में 47,465 सामान्य नागरिकों से बातचीत के आधार पर ईएनएन भारत आपके समक्ष अपना ये राजनीतिक विश्लेषण लेकर आया है। इस सर्वेक्षण में हमारा पहला प्रश्न था, वर्तमान मुख्यमंत्री और जिन लोगों का नाम दोनों पार्टियों से मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है, उनमें से कौन राजस्थान के लोगों की समस्याओं को सबसे अच्छे से समझता है और उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं। लोगों की राय जानने के बाद जो प्रतिशत उभर कर आया वे आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30.70% के साथ पहले नंबर पर है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 24.50% के साथ दूसरे नंबर पर रही। सचिन पायलट 14.80% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद सतीश पूनिया 13.9%, गजेंद्र सिंह शेखावत 7.1%, ओम बिरला 3.4%, ओम माथुर 2.4%, राजेंद्र राठौड़ 0.90%, भूपेंद्र यादव 0.6% एवं अन्य कोई 1.7% आदि आते हैं। अब आपको ये अंदाजा भी लग गया होगा कि 45.50% लोगों को कांग्रेस का समर्थक माना जा सकता है, 52.80% लोगों को भाजपा का समर्थक माना जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो 45.50% कांग्रेस समर्थकों से था, या हम ये भी कह सकते हैं कि समर्थक है, उनसे पूछा गया, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट का इस तरह लड़ना ठीक है? हाँ कहने वालों की संख्या सिर्फ 1.10% रही, वहीं नहीं कहने वालों की संख्या है 43.10%, और कह नहीं सकते बोलने वालों की संख्या 1.30% रही। नहीं कहने वाले 43.10% कांग्रेस समर्थकों से पूछा गया कि इनकी लड़ाई में आपको किसकी गलती नजर आती है। 18.55% लोग सचिन पायलट को दोषी मानते हैं। अशोक गहलोत को दोषी मानने वालों की संख्या 10.21% है। दोनों को दोषी मानने वालों की संख्या 7.57% है। दिल्ली आलाकमान की गलती मानने वालों की संख्या 4.04% है और सभी को गलत कहने वाले 2.73% है। हमारा अगला प्रश्न बीजेपी के 52.80% समर्थकों में से 24.50% जो वसुंधरा राजे को पसंद करने वाले हैं, उन लोगों से पूछा गया कि बीजेपी के द्वारा वसुंधरा राजे को राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाए जाने को उचित मानते हैं। ना कहने वालों की संख्या 21.60% रही।
यानी राजस्थान की 21.60% जनता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। साथ ही कह नहीं सकते कहने वालों की संख्या 2.90% थी, जैसा कि हमने पाया 28.30% लोगों की पसंद सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर, ओम बिड़ला, ओम माथुर या भूपेंद्र यादव है। उन लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या आप वसुंधरा राजे को राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाए जाने को उचित मानते हैं, हाँ कहने वालों की संख्या 19.40% है, यानी कुल 19.40% जनता जो बीजेपी समर्थक है वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करती। वही कह नहीं सकते बोलने वाले या जवाब नहीं देने वालों की संख्या 8.90% है, हाँ कहने वाले 19.40% से जब इसका कोई एक कारण पूछा तो उनका जवाब निम्न प्रकार से था। 3.26% लोगों ने कहा कि अनुशासन नहीं है। 5.76% लोगों ने कहा कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। 3.11% लोगों का कहना है कि वे घमंडी है। 2.56% लोगों ने वजह बताया कि वे सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचती है। वहीं 4.35% लोगों ने अन्य कारण बताए। वसुंधरा राजे को अगले मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाए जाने को उचित नहीं मानने वाले 21.60% लोगों से जब पूछा गया कि इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, तो जवाब इस प्रकार मिले। नरेंद्र मोदी 2.45%, अमित शाह 5.60%, राजस्थान के भाजपा के छोटे नेताओं की गलती 10.86%, और इन सभी की गलती बताने वालों की संख्या थी 2.69%। ये थी पार्टियों के भीतर और बाहर चल रही राजनीति और चेहरे पर मचे घमासान की वास्तविक स्थिति, आमजन के नजरिए से जो हमने आज आपको दिखाया। इसी के साथ आज खत्म करते हैं आज का ये एपिसोड और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ ENN भारत। नमस्कार।